नमस्कार कुकिंग विद शालिनी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यम्मी डिलीशियस पाव भाजी, जो हम बाजार जाते हैं रेडी वालों से खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रीट फूड स्टाइल हम पाव भाजी बनाएंगे। आज बहुत ही स्वादिष्ट होगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी, खाने में और भी टेस्टी होगी, जिसको देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा, उस तरह की पाव भाजी बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना अपनी पाव भाजी, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल। इसमें डालेंगे हम 2 कड़छी रिफाइंड ऑयल की। ये देख सकते हैं आप कड़छी का लेवल, हमने इस तरह से नॉर्मल कड़छी ली है, आप सर्विंग स्पून भी ले सकते हैं। तो ये 2 हम डाल देंगे भरकर। इसमें डाल देंगे हम अपना कटा हुआ प्याज, हमने लंबा लंबा प्याज काट कर रखा है वो डाल देंगे, हमने 4 से 5 प्याज डाल देंगे। मैं जो है बिल्कुल ही इसी तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आपकी सिर्फ 10-15 मिनट में बनकर पाव भाजी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए अब हम डालेंगे इसमें लहसुन, 10 लहसुन की मैंने 15 से 20 तुरियाँ डाली हैं फ्लेक्स लहसुन की, ये डाल देंगे इसमें। तो हिला देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज में हल्के हल्के भूनने लगे हैं। तो ये इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर जो है हमने 6 से 7 टमाटर लिए हैं, इसको इस तरह से रफली काट लिए, मोटा मोटा ही काट लें, कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से काट के इसमें डाल दें। तो हमने डाल दिए 7 से 8 टमाटर, इसको मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे थोड़ा। तो हमने इसको 1 मिनट के लिए भून लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमने सिर्फ अभी इसके अंदर 1 स्पून ही डालना है, 1 मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई सब्जियां। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मटर, ये हमने 1 कटोरी मटर के दाने लिए हैं, ये डाल लेते हैं इसमें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी गोभी, ये गोभी के पीस हमने कटे हुए डाल देने, 5-6 पीसेस हम डाल देंगे। इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, हम 1 बड़ी कटोरी पत्ता गोभी की डाल देंगे, या आप आधी जो है पत्ता गोभी डाल सकते हैं। इस तरीके से रफली काट लें, कोई आपको ये नहीं है कि छोटी छोटी काटनी है, इस तरीके से काट लें। आधी शिमला मिर्ची डालेंगे, 1 छोटी गाजर। अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू आपके पास उबले हुए हो तो आप उबले हुए डाल सकते हैं, कच्चे आलू हो तो कच्चे आलू डाल सकते हैं। ये मेरे मेथड से अगर आप पाव भाजी बनाएंगे तो आपकी पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम इसमें आलू डाल देंगे, ये उबले हुए आलू डालने या कच्चे आलू, मैं कच्चे आलू डाल रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे काट कर पीसेस इसमें डाल लेते हैं, हमने इसमें इस तरह से काटने आलू को। ये देखिए अब ये ना सोचे कि पाव भाजी मेरी कैसी बनेगी, टेस्टी बनेगी कि नहीं, आप यकीन मानिए आपने ये वाला मेथड जो है कहीं देखा नहीं होगा अब तक। और अगर आप इस मेथड से बनाएंगे आप दूसरा मेथड ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये आसान तरीका है और बहुत ही इजी तरीके से जो है पाव भाजी बनकर रेडी होती है। तो हमने डाल दिया इसमें 4 बड़े आलू, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप पानी, 1/2 कप से भी थोड़ा कम ही डाल लें। अगर आपको मेरी इजी रेसिपी पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दें और उसके साथ जो लाल बटन लगा हुआ है सब्सक्राइब का उसको भी दबा दें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके साथ जो घंटी लगी हुई है उसे भी आप दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरी ये ईजी तरीके से बनाने की रेसिपी आपको मिल सके, ताकि आपको घंटों जो है किचन में खड़ा ना होना पड़े और जल्दी से जल्दी आप बनाकर फ्री हो जाएं खाना, और खाना भी मज़ेदार बने, टेस्टी बने। तो इस तरीके कुकर को बंद कर लेंगे बंद, और 7 से 8 व्हिसल्स, 3 से 4 व्हिसल्स आ चुके हैं, प्रेशर इसका ऑलमोस्ट निकल गया है। ये देखिए अब सारा प्रेशर निकल जाए तभी हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। तो ये प्रेशर हमारा निकल गया है, प्रेशर कुकर खोल लेते हैं। तो ये देखेंगे थोड़ा सा तोड़कर, ये आलू हमारे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये गल चुके हैं, सब्जियाँ हमारी गल चुकी हैं। अगर आपके पास हैंडी हो तो आप हैंडी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की हैंडी, और अगर आपके पास हैंडी ना हो तो आप पोटैटो मैशर यूज़ कर सकते हैं, इसको मैश कर सकते हैं। मेरे पास हैंडी है तो इसमें हैंडी यूज़ करूँगी, फटाफट काम हो जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे इसको। आप अगर ज़्यादा बारीक चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
इसलिए देखिए हमने अच्छे तरह से इसको मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपने पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप MDH का डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। ये डालेंगे इसमें, अभी जो है मैंने 3 चम्मच इसमें पाव भाजी मसाले के डाले, नॉर्मल चम्मच टीस्पून। आलू की क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कई लोगों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं ज़्यादा डाल लेते हैं। मैंने इसमें 4 बड़े आलू डाले हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम डाल लेते हैं 1/2 चम्मच लाल देगी मिर्च। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसी चीज में इसमें हम डाल लेंगे अमूल बटर। हमने 1 बड़ा पीस अमूल बटर का डाल लेना है और इसको थोड़ा भून लेंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। इस चीज में आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक और डालने की जरूरत है तो आप डाल सकते हैं नमक मिर्च, आप देख सकते हैं इस टेस्ट पे। अगर आपको ज़्यादा कम ज़्यादा खानी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम हल्का कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी पाव भाजी जो है बनकर तैयार हो गई है। कोई तामझाम नहीं, कोई हमने ज़्यादा खलेरा नहीं डाला है, हमने बिल्कुल भी ये नहीं कि एक बर्तन किया और दूसरे बर्तन लिए, इतने कोई ज़्यादा बर्तन भी हमने नहीं लिए हैं। तो हमने एक ही में फटाफट से इसको बनाकर रेडी कर दिया है। तो पाव भाजी हमारी हो गई है तैयार, इसको अब हम करेंगे सर्व। अब हमने लिया है तवा, इसके ऊपर हम डालेंगे बटर, थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस कर देंगे, गैस का फ्लेम हल्का ही रखेंगे। और ये हमने पाव लिए हैं, इसको हम बीच में से काट लेंगे इस तरह से। तो ये बटर हमने इसमें डाल दिया, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अपना हरा धनिया। और जो पाव भाजी हमने बनाई है, थोड़ी सी पाव भाजी हम तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे इस तरह से, और इसको हल्का सा हिला लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हल्का ही रखा हुआ है। जब हम पाव सेके हमें हल्के फ्लेम में ही सेकने चाहिए, और ये पाव हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देंगे। आपने देखा होगा बाजार में जब हम ठेले वाले से खाते हैं, रेडी वाले से हम जब पाव भाजी खाते हैं तो इसी तरह से वो गर्म करते हैं, थोड़ी सी पाव भाजी जो है वो अपनी घेर लेते हैं तवे के ऊपर, और इस तरह से इसको जो है सर्व करते हैं। इसी तरह से हम करेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा, घर में बैठे बैठे रेडी कि जैसा हम स्ट्रीट फूड हम घर में बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए बन गया हमारा पाव भाजी के पाव भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये सर्व करते हैं। अब हम डालेंगे सबसे पहले इसमें अपनी भाजी। थोड़ा सा हमने बटर लिया, बटर के साथ हमने जो है ये लाल देगी मिर्च को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, और भी ज़्यादा जो है ये बिल्कुल स्ट्रीट फूड साइड मज़ेदार लगेगी आपको। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बटर, थोड़ा हरा धनिया, इसको सर्व करेंगे नींबू के साथ, साथ में डालेंगे थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची, और अपने लाएंगे गरम गरम पाव। तो ये मज़ेदार था स्ट्रीट फूड स्टाइल हमारा ये पाव भाजी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।